हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं लोटस मेकअप इको स्टे काजल का रिव्यू कर रही हूँ एंड दिस इज द आउटर पैकेजिंग। आप देख सकते हैं दिस इज एंड ये है डार्केस्ट एंड सेफेस्ट काजल। 10 आवर्स स्टे करता है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और वेगन काजल है, 100% वेजिटेरियन एंड 345 रुपये का है, 345 रुपीज का। लेकिन क्योंकि मैं लोटस की मेंबर हूँ, मैंने मेंबरशिप कार्ड बनवा रखा है आउटलेट पर, जिस वजह से मुझे हर बार 10% एडिशनल ऑफ मिलता है, तो मुझे ये पड़ा था सस्ता। और इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ और पाउडरी है, जो कि बहुत ही वेलवेटी सॉफ्ट टेक्सचर है। एक्सीलेंट कलर पे ऑफ है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है, ऑप्थल्मोलॉजिकली टेस्टेड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड ये वाटर लाइन पर भी आप लगा सकते हो, सूटेबल है। प्लस बहुत ही ज़्यादा डार्केस्ट है, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज भी लगाते हैं तब भी आप इस काजल को लगा सकते हैं एंड ये है सेफेस्ट काजल। और इसमें पैराफिन नहीं है, एनिमल ऑयल नहीं है और प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। ये तो बात हो गई लोटस मेकअप काजल की, जो कि बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। ये एक काजल पेंसिल है दोस्तों, और पेंसिल फॉर्म में आता है। इसके लिए आपको एक शार्पनर कैरी करना पड़ेगा अगर आप इसे ट्रैवलिंग में ले जा रहे हैं। सो दिस इज क्वाइट ट्रैवल फ्रेंडली, लेकिन इसके साथ आपको बहुत ज़रूरी है कि आप शार्पनर कैरी करें। प्लस दूसरी चीज़, इसकी पैकेजिंग बहुत ब्यूटीफुल है, एक्सट्रीम जेड ब्लैक पैकेजिंग है इसकी। और प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है काजल की वो है 1.2 ग्राम, जी हाँ। और 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है एंड 2.5 ईयर, विच इज़ वेरी गुड। प्लस इस काजल को जब मैंने लगाया, मैं इसको ले गई थी बनारस, मैंने उससे पहले ही परचेज किया था ये। इसका फॉर्मूला इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना बटरी, इतना एक्सट्रीम, एकदम से जो रियल ब्लैक होता है ना, काला, वो ये काजल है। और मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना था बिकॉज इसको ना नायका ब्यूटी बेस्ट काजल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था लोटस इकोस्टे काजल को, एंड उसके बाद से ये मेरी नज़र में आया था। मुझे लगा था कि इस काजल को अवार्ड मिला है तो ऐसी कोई बात तो ज़रूर रही होगी, बिकॉज बहुत सारे मार्केट में काजल है। सो दैट्स वाई मैंने ये काजल, मैं कई बार आउटलेट पर से जाकर लौट आई हूँ, क्योंकि लौट आई थी क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक रहता था, सडनली ये मुझे दिख गया। फ्रेश पैकेजिंग थी इसकी इसी मंथ की और मैंने इसको तुरंत से ले लिया, और फिर मैंने वेट नहीं किया कि मैं इससे ऑनलाइन मंगवाऊंगी या नहीं, ये नायका पे भी काफ़ी दिन तक आउट ऑफ स्टॉक था। बात करूँ इसके फॉर्मूले की, इट्स अमेजिंग। मैं बस, मेरे पास शब्द नहीं है इस काजल की तारीफ करने के, क्योंकि ये बिल्कुल स्पॉन्सर वीडियो नहीं है दोस्तों, एकदम नहीं। और लेकिन इसका फॉर्मूला इतना अच्छा है, आप लगाएंगे बिल्कुल स्मज नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा तरीके से लगाना है। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो काजल अप्लाई करने के बाद आप थोड़ा सा कोई या तो लूज पाउडर या तो कोई अच्छा आई शेडो आप अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे जो है थोड़ा सा लगा लीजिए, हल्का हल्का, जहां पर कंसीलर लगाते हैं उससे थोड़ा ऊपर, एंड देन ये एकदम से ऐसा सेट होने वाला है कि एक्सट्रीम ऑयली स्किन में भी नहीं निकलेगा। वैसे तो ये स्मज होता ही नहीं है, और आंखों का जो लुक आता है ना, एकदम बहुत ही खूबसूरत काला कलर है ये काजल। और ना तो मुझे इस काजल को लगा के बिल्कुल इचिंग हुई, ना ही मुझे इस काजल से अनकंफर्ट हुआ, ना हैवी बिल्कुल नहीं है, हैवीनेस भी नहीं लगी। अगर ब्राइड्स को मैं सजेस्ट करूंगी ना, बेस्ट सेफ डार्केस्ट एंड वेरी लॉन्ग लास्टिंग प्लस अफोर्डेबल, 345 रुपीज का ये जो काजल है ना, ये बिल्कुल 1000 रुपए के काजल जैसा काम करता है। इट्स अमेजिंग एंड अब मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखा देती हूँ दोस्तों। दिस इज द काजल एंड मैंने इसे ओपन कर लिया है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 100% वेगन है ये काजल। तो चलिए अब इसे मैं आपको इसका स्वैश दिखा देती हूँ। दिस इज द काजल एंड इतना एक्सट्रीम बटरी है ये, बहुत ही बढ़िया,
जी हाँ, तो अगर आप आईज पर इसे अप्लाई कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा काम करता है। और अगर आपकी ब्राइडल किट में एक अच्छा काजल होना चाहिए तो वो ये होना चाहिए। और आप और भी काजल अपने किट में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको पेंसिल काजल में कोई अच्छा काजल चाहिए, जो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूं पर्सनली, रारा, ओके, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी लोटस इको स्टे। एंड देन इसके बाद अगर मैं रेकमेंड करूंगी तो प्लम का काजल रेकमेंड करूंगी, उसका रिव्यू भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। रही बात इसको आईज पे अप्लाई करके दिखाने की दोस्तों, सो वो भी मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ, डोंट वरी। एंड वन बाय वन मैं अपने आईज पर डेमो देने वाली हूँ, 100K सब्सक्राइबर होने के बाद। मेरे जितने काजल मैंने रिव्यू किए हैं, मेरे पास जितने काजल हैं उन सब के, एंड आईलाइनर्स के, डोंट वरी अबाउट दैट। और अभी फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि इस काजल को 10 में 10 ही मार्क्स दे सकती हूँ। अगर +1 भी मुझे और एक देना पड़े तो बिल्कुल दूंगी, बिकॉज इसका फॉर्मूला आई जस्ट लव दैट। और पता है आउटलेट पर जब वो वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव थी उसने मुझसे जब ये कहा कि आप इसको मैम एक बार ले जाइए एंड देखिएगा आप दोबारा आएंगी, तो मुझे उस पर ना एकदम से सडनली हंसी आ गई। मुझे लगा कि ये जो बोल रही हैं, मे बी गलत भी तो हो सकता है, मुझे नहीं पसंद आया तो। लेकिन उस बंदी ने इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि आप इसको ले जा रही हैं ना, आप देखिए दोबारा आइए, दोबारा आएंगी आप देखिएगा। सो ये सच है, ये फिनिश होगा और मैं फिर से जाऊंगी उससे, उसी से लूंगी ऑफ कोर्स जाकर के दोबारा ये काजल। सो थैंक्स टू हर अगेन, मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत बढ़िया काजल है। आई होप कि आपने ये ट्राई किया होगा, और जिसने ट्राई नहीं किया है वो ज़रूर करें। और ऐसा नहीं है कि बहुत अफोर्डेबल काजल नहीं आते हैं, आते हैं दोस्तों। और इस तरीके से हाउ टू अप्लाई का यहाँ पर पूरा पैम्पलेट, एक छोटा सा पेपर दिया हुआ है, इस पे लिखा हुआ है, सो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और आई होप कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे एंड लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और वीडियो ज़रूर देखेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। एंड मेरा अनदर चैनल रारा लाइफस्टाइल देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।